हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन में लेसन नंबर 6 अम्लीय तथा लवणीय प्रभावित मृदाएं डिस्कस कर रहे हैं। उसमें अपन आज बात करेंगे कि अम्लीय मृदा में चूना मिलाने पर क्या परिवर्तन होते हैं। पिछली क्लास में अपन ने अम्लीय मृदा का प्रभाव पड़ा था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव। साथ में अपन ने अम्लीय मृदा में सुधार किया था चूना एवं चूना पदार्थ मिलाकर। क्लियर? आज उसी चूना मिलाने से अम्लीय मृदा में क्या होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए बेटा, मुख्यतः दो प्रतिक्रियाएं होती है। कितनी प्रक्रियाएं होती है बेटा? दो प्रतिक्रियाएं होती है। CO2 के साथ प्रतिक्रिया होगी और मृदा कोलाइड के साथ प्रतिक्रिया होगी। चूना मिलाने पर सर्वप्रथम क्या होगी? CO2 के साथ क्रिया होगी और फिर मृदा कोलाइड के साथ क्रिया होगी। तो देखिए, CO2 किसके साथ क्रिया किया? जल के साथ में। क्या बना? H2CO3। क्या बोलेंगे इसको? कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको? कार्बोनिक अम्ल। क्लियर? इसके बाद अपने पास में चूना पदार्थ है, ये भी चूना पदार्थ है, ये भी चूना पदार्थ है। ठीक है, ये क्या है? चूना है। ये भी क्या है आपका? चूना है। जो कौन सा लाइन है आपका? ये स्लैंक लाइन है। कौन सा लाइन है आपका? ये स्लैंक लाइन है। कैल्शियम कार्बोनेट है। तो देखिए बेटा, CO2H2 ने क्रिया की, क्या बनाया? कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाया? कार्बोनिक अम्ल। ये चूना पदार्थ किससे क्रिया कर रहा है आपका? H2O से। क्या बना लिया अपन ने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने किससे क्रिया की? कार्बोनिक अम्ल से। क्या किससे क्रिया की? कार्बोनिक अम्ल से। तो यहां बन गया आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बन गया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? और जो आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पदार्थ, इसने भी किससे क्रिया की? कार्बोनिक अम्ल से। किससे क्रिया की? कार्बोनिक अम्ल से। तो यहां भी क्या बन गया? कैल्शियम बाई कार्बोनेट। क्या बन गया? कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो मुख्यतः चूना पदार्थ CO2 से क्रिया करके क्या बना रहा है? कैल्शियम बाई कार्बोनेट। क्या बना रहा है? कैल्शियम बाई कार्बोनेट। अब ये चूना पदार्थ देखो इधर, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, डोलोमाइट है, ये सारे के सारे किससे क्रिया कर रहे हैं? मृदा कोलाइड से। वो कौन सी प्रकृति की मृदा कोलाइड है? देखो इधर, अम्लीय प्रकृति की। कौन सी प्रकृति की? देखो, अम्लीय मृदा कोलाइड। कौन सी कोलाइड है ये? अम्लीय मृदा कोलाइड। क्यों? क्योंकि मृदा अम्लीय होगी थी, उसमें अपने क्या मिलाया? चूना। चूना मिलाने के बाद में क्या क्रिया होती है वही अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये अम्लीय क्या है? मृदा कोलाइड है। उस पर कौन आया? ये चूना पदार्थ, ये चूना पदार्थ, ये चूना पदार्थ, ये चूना पदार्थ। तो देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करता है तो देखो क्या बनेगा? प्ले के ऊपर क्या आ जाएंगे? Ca+2। क्या आ जाएगा? Ca+2। और अपने पास बन जाएंगे यहाँ पर H2O 2H2। क्या बन जाएंगे? 2H2। यहाँ पे देखो आप, क्ले के ऊपर क्या आ जाएंगे? Ca+2। क्या बन जाएगा? H2O+CO2। क्या बन जाएगा? H2O और CO2। क्लियर? यहाँ देखो आप, क्ले के ऊपर क्या आ जाएंगे? Ca+2। क्या आ जाएगा? Ca+2। और साथ में क्या बन जाएगा? CO2 और H2। क्या बन जाएगा? CO2 और H2। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे Ca+2, यहाँ पे क्या है? Mg+2। और ये क्या है? क्ले। यहाँ पर होगी अपने पास में H2O और CO2। क्या है? H2 और CO2। ये दो होंगे। क्लियर? तो इस तरह से अम्लीय मृदा में क्या चूना एवं चूना पदार्थ मिलाने से अम्लीयता कम या क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? कम या समाप्त हो जाती है। इस तरह से ये दो मुख्य प्रभाव है, CO2 के साथ प्रतिक्रिया और मृदा कोलाइड के साथ प्रतिक्रिया। अर्थात
अम्लीय मृदा में चूना मिलाने से अम्लता कम या समाप्त हो जाती है। क्लियर। तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा अम्लीय मृदा में चूना मिलाने से क्या परिवर्तन होता है, जिसको अपन ने इन रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से पढ़ा। ये देखो अम्लता में H प्लस आयन रिजल्ट क्या आ गए, CA प्लस टू आयन। क्लियर। पहले CO2 से क्रिया करके क्या बनाया अपने पास में, विभिन्न प्रकार के चूना पदार्थ आपस में परिवर्तित हुए, उन्होंने मृदा कोलाइड से क्रिया की और मृदा कोलाइड में उपस्थित एच प्लस आयनों का प्रतिस्थापन किया और वापस किया आगे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, जिससे वापस बैलेंस हो गया। क्लियर। इसका मतलब अम्लता क्या होगी, कम या समाप्त हो गई। क्लियर बेटा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।